Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक एब्स की एक्सरसाइज और बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस पर्टिकुलर एब्स की एक्सरसाइज को कैसे लगाया जाता है, कैसे इसमें मैक्सिमम आपको जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो मसल ट्रेन हो रहा है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज इसकी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ रोप क्रंचेस के बारे में, जो आप रोप से लगाते हैं एब्स क्रंचेस। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिक्स पैक एब्स अचीव करते हैं, फेस फैट को कैसे लूज़ करते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उसके लिए आपको क्या करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बात करते हैं जब हम रोप क्रंचेस की, तो इसकी मिस्टेक पहली सबसे आती है सेटअप और पोस्चर की। सेटअप में डेफिनेटली आपके पास इस तरीके की केबल मशीन होनी चाहिए जिसमें आप इस तरीके से लगा सकें। सेकंड चीज़ आपको चाहिए रोप्स, तीसरी चीज़ चाहिए आपको फ्लोर और मैट। अब मैट क्यों आपको चाहिए यहाँ पे? क्योंकि जब आप अपने नीज को इस तरीके से रखते हैं तो एब क्रंचेस करते हुए हो सकता है कि आपके घुटनों में दर्द होने लगे या स्क्रैचेस पड़ जाएँ, ब्रूजेस हो जाएँ, तो एक कम्फर्टनेस के लिए भी ये मैटिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब बात करें आपके बॉडी के पॉस्चर की, तो बॉडी का पॉस्चर स्टार्ट होता है सबसे पहले आपके नी प्लेसमेंट से। अब देखिए मैंने नीज इतने वाइड नहीं रखे हैं, शोल्डर विड्थ अपार्ट मेरी नीज, कम्फर्टेबल रहूँ मैं। दूसरी चीज़, आप जब अपने यू नो अपर बॉडी के पॉस्चर को बनाएंगे तो देखिए बैक जो है मेरी हल्की सी न्यूट्रल पोजिशन में है, मैंने ओवर एक्सटेंड नहीं किया हुआ है और साथ ही साथ पहले से ही फ्लेक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं आपकी पोजीशनिंग। दूसरी चीज़, आपके जो हिप्स हैं, ये चीज़ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको हिप हिंज नहीं करना होता है, यानी कि बाहर की ओर अपने हिप्स को नहीं थ्रो करना होता है जो आप ज़्यादातर एक्सरसाइज में करते हैं। इसमें आपके हिप्स अंदर, इसे कहते हैं पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, अंदर की ओर स्क्वीज़ करना है ग्लूट्स को। ये क्योंकि एब्स का फंक्शन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपके अपर बॉडी यानी टॉर्सो को फ्लेक्स करना होता है, जिसमें आपका ये जो लोअर बैक है ये भी फ्लेक्स होती है, राउंड करना, ये आपके एब्स यानी कि कोर मसल का फंक्शन है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी मिस्टेक की। दूसरी मिस्टेक है आपके डिस्टेंस बिटवीन द मशीन एंड योर बॉडी। अब इसमें क्या है, काफ़ी सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत नज़दीक चले जाते हैं यहाँ पे, इतना पास। अब देखिए इसमें मिस्टेक क्या होती है, जब आप नीचे क्रंच करते हैं उसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका हाथ यहाँ पे टकराने लगता है, सर भी आपका टकराने लगता है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेच नहीं मिलती आपके एब मसल को, कोर मसल्स को, ठीक है। आपका पूरा जो एब मसल है, कोर जो है, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद स्ट्रेच होना चाहिए, जिसके लिए आपको थोड़ा सा दूर आना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर एंगल। अब इस पर्टिकुलर एंगल में अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे जब क्रंच कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो देखिए स्ट्रेच करते हुए मैं थोड़ा सा आगे भी लीन हो रहा हूँ। मैं क्रंच करने के बाद सीधा ऊपर नहीं उठ रहा हूँ क्योंकि मेरे एब्स को जो इलॉन्गेशन है वो नहीं मिलेगी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा आगे की ओर भी जाना है। क्रंच करेंगे एंड थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्रंच आगे, तो इसलिए एक सही डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, सही रेंज ऑफ मोशन आपको मिलेगा। सो गाइस बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट मिस्टेक, मैं लेके आया हूँ एक लाइव सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं एब्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, फेस फैट कैसे रिमूव किया जाता है, पूरा प्रोसेस, और ये होगा 7 फरवरी को 7 बजे ग्राफी प्लेटफॉर्म में। इसमें पूरी तरीके से बताऊँगा आपको कि क्या प्रोसेस रहता है, मैक्रोस कैसे आप लोग सेटअप करते हैं, क्या तरीके हैं, कौन कौन से फूड्स को आपको सेलेक्ट करना है, वर्किंग प्रोफेशनल हो तो क्या करना है, एक एथलीट हो तो क्या करना है, एक जनरल रेगुलर इंसान हो तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस मिलूंगा मैं आपको ग्राफी प्लेटफॉर्म में 7 PM 7th of February, सी यू सून। तो चलिए गाइस चेक करते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्टेक, लेट्स गो। तीसरी मिस्टेक आती है ग्रिपिंग वाली। अब ग्रिपिंग में आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा क्लोजर लुक। सो ग्रिपिंग जो बेसिकली यहाँ पे है, एक न्यूट्रल ग्रिप होनी चाहिए, ये इस तरीके से ग्रिप तो आपने कर ली, अब हाथ कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, तो हैंड प्लेसमेंट होनी चाहिए आपके सर के पीछे, बिहाइंड योर हेड, ये ठीक है, ग्रिपिंग ये रहेगी, हैंड प्लेसमेंट ये रहेगी, और उसके बाद आपका थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपका यहीं पे हाथ रहेगा, ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा, कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है। सो हैंड प्लेसमेंट एंड ग्रिपिंग इज गोइंग टू बी लाइक दिस। एंड दूसरी चीज़, जो ये ग्रिपिंग आप ले रहे हो, इट जस्ट हुक्स, मतलब इसको आपने सिर्फ हुक की तरह इस्तेमाल करना है ये, ठीक है, आपको किसी भी तरह का इसमें प्रेशर डालने की ऐसे कोई जरूरत नहीं, इट जस्ट हुक्स। ओके गाइस, सो हमारी चौथी मिस्टेक आती है यहाँ पे आपके एल्बो मूवमेंट से रिलेटेड और हेड मूवमेंट से रिलेटेड। मैं पहले आपको बताता हूँ कि गलत लोग क्या करते हैं। सब कुछ ठीक है, यहाँ से
जब लोग शुरू करते हैं तो मूवमेंट करते हुए अपने एल्बो को भी हिलाते हैं, ये। अब ऐसा करने में क्या हो रहा है कि आपका जो कोर एंगेजमेंट है वो बहुत कम हो जाता है और लैट एंगेजमेंट बढ़ जाता है। ये देखिए, एक हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, ये रोइंग कर रहा हूँ लैट के लिए। तो ये बहुत ही गलत फॉर्म हो जाती है, इसमें आपके कोर में बिल्कुल नहीं आता। सो मेक श्योर एल्बोज फिक्स रहेंगे, सर के पीछे हाथ रहेगा, एल्बोज यहीं रहेंगे और थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आप ऐसे ही लगाएंगे, ओके? दूसरी चीज, हेड का मूवमेंट ये भी नहीं करना है आपने। कुछ लोग क्या करते हैं, ये भी नहीं करना है, ठीक है? हेड भी फिक्स रहेगा, सारी चीजें फिक्स रहेंगी आपकी अपर बॉडी। आप समझ लीजिए कि ग्लू लगा दिया है, एलपी लगा दिया है हमने, फिक्स कर दिए, बस ऐसे ही रहोगे आप और ये मूवमेंट रहेगा, ठीक है? विच ब्रिंग्स मी डाउन टू द लास्ट मिस्टेक, जो है रेंज ऑफ मोशन और ब्रीदिंग की, पांचवी मिस्टेक हमारी। रेंज ऑफ मोशन आपका शुरू होता है ऑफकोर्स जब आप अपने पोस्चर को बना लेते हैं, ग्लूट्स को स्क्वीज करते हैं, आपकी अपर बैक यहाँ से शुरू होती है, ठीक है? और यहाँ से आप रोल करके लेके जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक, मतलब कि आपके जो ये एल्बोज हैं ऑलमोस्ट आपकी थाइस तक पहुँच जाए, ठीक है? जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे सो फुल आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है आपके एब्स मसल में वो हो जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए आगे की ओर जाएंगे एंड दैट्स इट, ठीक है? एंड कॉन्ट्रैक्ट। बिना मैं आपको रोप के दिखाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। अपर बॉडी जो है मेरी वो क्या हो रही है, फ्लेक्स हो रही है, ये और जब भी ये फ्लेक्स हो रही है तो मैं सांस कैसे ले रहा हूँ, जब ऊपर जा रहा हूँ सांस ले रहा हूँ और जब नीचे आ रहा हूँ सांस छोड़ रहा हूँ, ठीक है? जब ऊपर जा रहा हूँ सांस ले रहा हूँ, जब नीचे आ रहा हूँ सांस छोड़ रहा हूँ। नाउ अब ध्यान दीजिए, जब आप सांस छोड़ते हो तो एब्स से जब हवा निकलती है आपके बॉडी से तो एब्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, दबाना होता है। कुछ लोग क्या है, पेट फुलाते हैं, पेट नहीं फुलाना है। जब नीचे आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एब्स को स्क्वीज कर रहे हो तो ब्रीथ आउट करते हुए एब्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो मेक श्योर कि रेप रेंज जो है आपकी वो कहीं ना कहीं 12, 15, 20 के बीच में रहनी चाहिए। डोंट गो टू हैवी इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, कोई ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा हैवी लेके अपने लोअर बैक का फ्लेक्शन करने की, क्योंकि उसमें आपकी लोअर बैक भी इंजर्ड हो सकती है। सो मेक श्योर एक नॉर्मल वेट आप लगाएं इसमें, मीडियम टू लाइट, और जिसमें आपकी 15, 20 या 12 रेपिटेशन के बीच में आप प्ले करें। ऑलराइट गाइस, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस एक्सरसाइज को रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। And thank you very much, Jeet Salal. Bye-bye.